इतना स्विट्जरलैंड जैसे ही दिख रहे यार, पर दूब है ना। छोड़ दो सीधा रहो। हेलो गाइस, वेलकम बैक और एक नए एपिसोड में। आई होप आप लोग सब मस्त और बढ़िया होंगे। और हम लोग जा रहे हैं रिमी पार्क। और गाइस, मेरा दोस्त लोग आगे जा रहे हैं और मैं पीछे वीडियो शूट करके आराम से जाना चाहता था, क्योंकि मान्य पोलियांग से हम लोग आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया और रास्ता भी बारिश के कारण थोड़ा सा ख़राब है। और गाइस, चलिए चलते हैं, आप और हम मिल के देख के आते हैं जीरो के रिमी पार्क। और तब तक के लिए गाइस, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए गाइस। और चलिए चलते हैं जीरो के रिमी पार्क के अंदर। इतना स्विट्जरलैंड जैसे ही दिख रहे यार। एक्चुअली स्विट्जरलैंड गया तो नहीं है, फिर भी खेती में तुम्हारा मस्ती मिलेगा देखो। फिर भी फोटो में देखने में ना ऐसे सेम लगते स्विट्जरलैंड जैसे। इसमें मछली होगा, ऑरेंज वाला मछली होगा। ओ भाई साहब, गरम धूप का ना छोटे है वो। अच्छा चलते देखा, वो जा रहा है जरूर। हवा भी, यहाँ जाएंगे हम लोग तो। ये लोग चला गया, चलते हैं साथ में। अरे भाई गाइस, जा रहे हैं अभी रिमी पार्क। और काफ़ी खूबसूरत जगह है, ग्रीननेस है और धूप भी दिया है थोड़ा थोड़ा। और भी दूसरा जगह जाना बाकी है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ में थोड़ा सा थोड़ा टाइम एक्सपेंड कर लेगा, तो उसके बाद फिर जाते हैं दूसरा जगह। ओह, हवा बढ़िया आ रहा है और जगह भी काफ़ी सुंदर है। काफ़ी नहीं, बहुत सुंदर है गाइस। एक्चुअली अचानक से प्लानिंग करके आया है, तो बहुत एक्साइटिंग है जगह देखने के लिए। और जगह देख देख के काफ़ी दिल गार्डन गार्डन हो बैठा है अपना। हाँ, आप लोग थोड़ा बोल दीजिएगा, थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स और चिल करने का टाइम आ गया गाइस। हाँ, आप दोनों बहुत सुंदर देख रहे हैं। मजा आ रहा होगा, पर धूप है ना। आप लोग आज दिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घूमने आ सके ना, एक बारी सुनते आना बहुत मुश्किल होना था। आई लव इंडिया, चलो हम दोनों। आई लव जीरो। बोटिंग भी है ना, तो गाइस यहाँ से चलते, बोटिंग भी है ना। से निकलता हुआ काफी खूबसूरत से जगह। नहीं टूटेगा, कहाँ टूटेगा, किसे नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। टूटने से तो कहाँ ऐसे बनाएगा, ओ ऐसे लग रहा है। लेकिन टूटने से रिस्क है लेकिन ना।
बाद ये टाइम बहुत कम है ना इसके। ये गाइस फिशिंग कैसे रख दो, फिशिंग हो रहे। क्या मिला है कि मछली था ना, खा रहा था ना कि किसी टाइम को खा के भाग गया। गाइस काफी अमेजिंग प्लेस है और आप यहाँ में आने के बाद जाने मन नहीं करेगा, तो बहुत पीसफुल है। यहाँ फिशिंग कर सकते हैं, फिशिंग अलाउ करके रखा हुआ है। तो आप जितना फिशिंग के लिए 200 लेता है और जितना आपको फिश मिलेगा वो आप ले जा सकते हैं यहाँ से। यूट्यूब का सब्सक्राइब कर दो। हाँ गाइस और थैंक यू। एक्चुअली नए नए चैनल है तो इसलिए सबको मुंह में प्रॉब्लम हो रहा है और फिश तो एक भी मिला नहीं अभी तक। हम तो प्रे कर रहे कि मत मिलो, वो आटा को खाएगा, वो आटा को जहाँ तक ले जाना है। तो गाइस ये है एंट्री फी 20 रुपीस और बोटिंग का 50, पिकनिक स्पॉट का है 1000। तो गाइस ये लोग ने पकड़ा है एक छोटा सा मछली, तो इसको फिर वापस छोड़ने वाले हैं हम लोग। इसने पकड़ा है, रुको मत, दारी मत छोड़ो यहाँ पर। ठीक है गाइस ये छोड़ने वाला है, अभी छोड़ दो। ओ भाग गया तो बस, जिंदा है तो। तो जाने वाला है अभी कासा रिसोर्ट। तो चलो लेट्स गो। ओ नहीं हुआ है क्या? चलो 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 गाइस जा रहे हैं। 1 2 3 गो। इसलिए ना पहले से बोला है ता निकल गया। ओके वाह अरे हो गया। तो गाइस जा रहे हैं अभी रिमी पार्क से जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी मज़ा आया, तो आप लोग भी घूमने आइएगा रिमी पार्क में। काफ़ी सुंदर है और बहुत साइलेंस पीसफुल प्लेस है। तो गाइस जा रहे हैं अभी कासा रिसोर्ट, तो और बारिश भी आ रही है, लेकिन हम लोग अभी प्लानिंग तो बनाया है कासा रिसोर्ट जाएगा बोल के। गाइस अगर बारिश आने से तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ यार आगे आते समय में बहुत सारा धूप था, अभी बारिश आ रहा है। गाइस ये जगह नहीं जा पाया क्योंकि बारिश आ रही है, लेकिन काफ़ी सुंदर दिख रही है अभी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं। ये हमारा टीम, आप लोग जीरो कैसे लगा? बहुत बढ़िया। यस देखो ना जगह इतना सुंदर है, आप लोग आ देखो तो। इतना सुंदर दिख रहे पर बारिश आ रहा है अब। तो गाइस ये लोग को छोड़ के आया है। एक्चुअली हमें बहुत कीचड़ है ना, तो ट्रिपल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते है बोल के, तो मैं जा रहा हूँ आगे आगे। और गाइस अभी जा रहे हम लोग कासा रिसोर्ट, और कासा रिसोर्ट हापोली से थोड़ा सा दूर में था। मिलते हैं अगले एपिसोड में कासा रिसोर्ट पे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस आप लोग सभी को मेरा व्लॉग देखने के लिए। और गाइस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। गाइस जीरो के रिमी पर कैसे लगा है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग और बी सेफ, टेक केयर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में एंड बाय बाय।